हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि थर्ड काउंसलिंग में कितनी सीट वैकेंट है और किस कॉलेज में कितनी सीट वैकेंट है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते होंगे कि सेकंड काउंसलिंग में आयुर्वेदा की 74 सीट्स वैकेंट थी, जिसमें कि काउंसलिंग होनी थी। तो फ्रेंड, देख सकते हैं कि आप 74 में से कितनी सीट फिल हुई आपको बता देते हैं। देखिए फ्रेंड, बरेली में केवल 2 सीट फिल हुई हैं, और इसके बाद झांसी में 2 सीट फिल हुई हैं, बांदा में 1 सीट फिल हुई है, पीलीभीत में 3 सीट फिल हुई हैं, और लखनऊ में 1 सीट फिल हुई है, और वाराणसी में 1 सीट फिल हुई है। यानी फ्रेंड्स, कुल मिला के 11 सीट ही फिल अभी अभी फिल हुई हैं आयुर्वेदा की, और एक ये 11। तो फ्रेंड, 11 सीट फिल हुई हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 74 सीट वैकेंट थी, 74 में से अभी 11 सीट ही फिल हुई है, यानी कि अभी 63 सीट्स जो है अभी वैकेंट हैं थर्ड राउंड की काउंसलिंग के लिए आयुर्वेदा की। तो फ्रेंड, आपके लिए गुड न्यूज़ है कि थर्ड राउंड में अभी 63 सीट्स जो हैं वैकेंट हैं, जिसमें कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और चाहे तो आप उसमें आपको एडमिशन भी मिल सकता है। सभी कॉलेज में काफ़ी सीट वैकेंट हैं। देख सकते हैं कि बरेली में केवल 2 ही सीट फिल हुई हैं, जबकि इसमें 12 से 13 सीट जो है वैकेंट थी, और झांसी में केवल 2 सीट फिल हुई हैं, बांदा में भी केवल 1 सीट फिल हुई है, और जबकि लखनऊ में भी काफ़ी सारी सीट वैकेंट थी, और जिसमें से केवल 1 ही सीट फिल हुई है। तो फ्रेंड, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि होम्योपैथ की कितनी सीट वैकेंट है। और फ्रेंड, आपको वीडियो अच्छी लाइक करें, और आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी थर्ड राउंड की, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।